मैं ज्योति स्पेशल फूड कॉर्नर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्वीट कॉर्न की रेसिपी, लेकिन कॉर्न हम इस तरह आज बनाएंगे बिल्कुल क्रिस्पी, टेस्टी और चटपटे, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और स्नैक्स टाइम के लिए बहुत अच्छे हैं। आप इसे बनाकर खा सकते हैं, चाय के साथ इसे सर्व कर सकते हैं और वैसे भी आप इसको नॉर्मली खा सकते हैं। इसको बनाकर आप हफ्ते भर रखकर इसको खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज स्वीट कॉर्न की रेसिपी। लेकिन इससे पहले मैं रेसिपी स्टार्ट करूँ आपसे बोलना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। उससे आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरी वीडियोस मिस नहीं करेंगे। मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आपके लिए आती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्रिस्पी स्वीट कॉर्न की रेसिपी। क्रिस्पी स्वीट कॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सामान ले लिया है और ये ले लिए हैं मैंने कॉर्न्स। ये मैंने उबाल लिए हैं, नॉर्मल कॉर्न है जो ये मिलते हैं मार्केट में आराम से। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह के कॉर्न्स मैंने लिए हैं। ये देखिए इस तरह के कॉर्न्स हैं, ये बिल्कुल पके हुए दाने हैं इसके, ये ज़्यादा कच्चे दाने नहीं हैं। तो इनको मैंने उबाल लिया था, उबाल के मैंने इनको इसमें निकाल लिया है और नॉर्मल से ठंडा किया है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो इसमें जो हम मसाले डालेंगे वो इसमें कोट नहीं होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें मसाले डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मैदा, ये 4 बड़े चम्मच मैदा है। तो मैं सारे नहीं डालूंगी, आधा आधा सामान डालेंगे, कम पड़ेगा तो बाद में डालेंगे। ये चावल का आटा, ये भी सेम क्वांटिटी में डालेंगे, तो 2 बड़े चम्मच। और ये है अरारोट, ये भी हम 2 बड़े चम्मच डालेंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे। और अब डालेंगे इसमें नमक, ये मसाले मैं इसमें ऐड करी हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। और ये हल्दी पाउडर, ये ऑप्शनल है, मैं कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो डालें अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। आमचूर पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और ये है चिली फ्लेक्स, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और ओरिगेनो और ये है चिली फ्लेक्स, तो ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट देते हैं। तो अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि ये सारी चीज़ें इस पर अच्छे से कोट नहीं हो जाती। और कॉर्न्स अगर हमारे बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे तो ये चीज़ें जो है इस पर कोट नहीं होंगी, तो इसे थोड़ा सा हमें नॉर्मल रखना है, पानी बहुत ज़्यादा इसका ड्रेन नहीं करना है, ड्राई नहीं करना है, वेट रहना चाहिए। जैसे कि जो हम इसमें मसाले मिला रहे हैं और जो हम इसके कोटिंग के लिए हमने इसमें मैदा, अरारोट और चावल का आटा मिलाया है वो इस पर अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ इसको, एक एक दाना आप देख सकते हैं, एक एक दाना इसका अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, ये देखिए मुझे इसमें थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है और दाने थोड़े से वैसे लग रहे हैं, तो मैं इसमें डाल दूँगी, जो बाकी सामान है वो भी डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि जो ड्राइनेस है वो ज़्यादा हो गई है। तो पानी डालने से क्या होगा कि जो भी मसाले हैं इसमें डाले हैं हमने और कोटिंग के लिए जो भी हमने इसमें आटा और यूज़ किया है, चावल का आटा मैदा, वो इसमें कोट हो जाएगा। तो ये लीजिए वेटनेस आ गई है इसमें और सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं मिक्स हो गई हैं, लेकिन इसमें मुझे कम नज़र आ रही हैं। तो ये बाकी सामान जो हमारा बचा हुआ है ये भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको वापस से हम कोट करेंगे। तो एक एक दाना अच्छे से इस पर कोट करना है, ये इसका मेन प्रोसेस है। आप ये देखिए एक एक दाना अच्छे से कोट हो रहा है अब, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाला है। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, 1 ही चम्मच पानी डालें, जिससे कि क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो सारे जो कॉर्न हैं आपस में चिपक जाएंगे और ये पकौड़े की तरह बन जाएंगे। हमें पकौड़े नहीं बनाने हैं, हमें इसे नमकीन की तरह बनाने हैं, जिसे हम चाय के साथ भी यूज़ कर सकते हैं स्नैक के रूप में और वैसे भी खा सकते हैं। तो ये देखिए सारे हमारे जो है कॉर्न्स हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसको ढककर साइड पे रखते हैं और इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। कॉर्न्स को तलने के लिए मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें इसे रखना है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं रखना है, मीडियम टू हाई पे रखना है। तो ये देखिए स्टार्ट हो गया है गर्म होना तेल, एक दाना डालकर देख लेते हैं। तो ये देखिए जो तेल है वो गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें बाकी कॉर्न्स इसमें डालकर फ्राई करेंगे। तो चलिए मैं हाथों से इसको इस तरह से डाल रही हूँ जिससे कि एक एक दाना जो है वो अच्छे से बिखर जाए। और इसमें हमें ड्राइनेस तो हमने रखी है, आपको पता है थोड़ी सी ड्राइनेस है, थोड़ा वो है, तो आपस में चिपके नहीं है, तो इसीलिए ये देखिए चारों तरफ से इसको अच्छे से डाल दें। एक बार में जितने आए उतने ही हमें इसमें फ्राई करने हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। तो इनको बाकियों को हम ढक के रख देते हैं क्योंकि अब इन्हें खुला रखेंगे तो ड्राई हो जाएंगे और ढकने से जो इसका मॉइस्चर है वो बना रहेगा,
तो चलिए इनको हम तल लेते हैं, और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको इसी तरह तलने दें। उससे पहले इसमें करछी ना लगाएं, क्योंकि अदरवाइज़ इसकी जो कोटिंग है वो बिखर सकती है। तो ये लीजिए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, तो मैं इसको हिला देती हूँ, और इस तरह से हिलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आपके जो कॉर्न्स हैं वो फूटने लगते हैं अगर कढ़ाई में या कुछ होते हैं, तो हमें इसे ढककर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे कॉर्न्स इसमें हो गए हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। और इनके फ्राई करने में मुझे कम से कम 2 से 3 मिनट लगे हैं मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए सारे कॉर्न्स मैंने निकाल लिए हैं, अब इनको सर्व कर। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी चपटे कॉर्न्स बनकर रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया कॉर्न्स लग रहे हैं, जो हमने इसमें चावल का आटा डाला है उससे देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। आप देख सकते हैं ये दाने दाने से नज़र आ रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, खाने में भी बहुत कुरकुरे और बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए कितनी डिलीशियस हमारी नमकीन बनकर रेडी हुई है, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। और आप इसको ठंडा करें अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से ठंडा करने के बाद में फिर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं, और 1 से 1.5 हफ्ते तक इसे आराम से खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। यह थी हमारे आज की रेसिपी। कितनी आसानी से क्रिस्पी स्वीट कॉर्न की रेसिपी बनाकर तैयार की, इसमें हमने कितनी इजीली इजी मसाले यूज़ किए, और बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट के साथ हमने आज ये रेसिपी बनाकर तैयार की। बहुत ही देखने में इंटरेस्टिंग है, और जितनी देखने में इंटरेस्टिंग है उतनी ही खाने में भी है। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई है, इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए आपकी रेसिपी कैसी बनी। तब तक के लिए गुड बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी।